हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और आपने ये पजल को सॉल्व कर लिया होगा जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, राइट? तो आज के दिन हम लोग पजल का सॉल्यूशन देखते हैं। सो दोस्तों, देखते हैं कि पजल के सॉल्यूशन से पहले हम लोग के क्वेश्चन क्या था, पजल क्या था। सो दोस्तों, पजल ये था कि तीन दोस्त हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए ने बोला कि बी हमेशा झूठ बोलता है, मिस्टर बी बोलता है कि सी हमेशा झूठ बोलता है, और सी सेज कि दोनों हमेशा झूठ बोलते हैं। और दोस्तों, कंडीशन ये है कि इन तीनों में से कोई एक सच बोलता है हमेशा, बाकी दो झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए? जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, उसके लिए हम लोग अजम्पशन या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, राइट? सो हिट एंड ट्रायल में मेथड में हम लोग क्या यूज बोलेंगे, हम लोग एक बार मान लेंगे कि ये सच बोलता है, बाकी दोनों झूठ बोलते हैं। एक बार मान लेंगे कि ये सच बोलता है, बाकी दोनों झूठ बोलते हैं। एक बार मान लेंगे कि ये दोनों झूठ बोलते हैं और ये सच बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही बंदा है तीनों में से जो हमेशा सच बोलता है, राइट? और तो हम लोग एक एक करके ये कंडीशन को देखेंगे कि ये अजम्पशन फुलफिल हो रहा है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग तीन टेबल बनाएंगे। पहले टेबल पे हम लोग मानेंगे कि मिस्टर ए सच बोलता है, बाकी दोनों झूठ बोलते हैं। तो ए बी सी हमने अजम्पशन माना, दिस इज अजम्पशन कि मिस्टर ए सच बोलता है। सच को हम लोग राइट से मार्क कर रहे हैं और झूठ को हम लोग क्रॉस से मार्क कर रहे हैं, राइट? तो मिस्टर ए सच बोलता है और बी और सी दोनों झूठ बोलते हैं। तो इस अजम्पशन पे जो कंडीशन गिवन थी, ये वाली जो कंडीशन थी, ये गिवन है, अगर सारी फुलफिल हो रही होगी, मतलब कि अगर इस कंडीशन में, सेकेंड रो इज कंडीशन रो, तो अगर इस कंडीशन में हमारा यही आ जा रहा है, राइट, ये टिक आ जा रहा है, ये क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब मिस्टर ए सच्चा है, बाकी दोनों झूठे हैं, राइट? तो देखते हैं दोस्तों कि ये कंडीशन इस अजम्पशन पे ये कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। लेट्स सी। सो कंडीशन सेज, कंडीशन क्या है कि ए बोलता है, बी झूठ बोलता है। तो ए सच्चा है तो मान लेते कि ए सच्चा है। तो ए अगर सच बोल रहा है, इसका मतलब बी झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि सच्चे ने बोला है कि बी झूठा है, क्रॉस कर दिया। नाउ बी सेज कि सी झूठ बोलता है, बी ने बोला सी झूठ बोलता है, लेकिन बी तो झूठा है, इसका मतलब सी सच बोलेगा, सी को सच बोलना चाहिए क्योंकि बी झूठा है, और झूठे ने बोला है कि सी सच बोल रहा है, सी झूठ बोलता है, इसका मतलब झूठे की बात आप नहीं मानोगे, इसका मतलब सी सच बोल रहा है, ये कंडीशन फेल हो गई, राइट? अजम्पशन और कंडीशन में तालमेल नहीं बैठा। नाउ वी विल टेक सेकंड अजम्पशन, हम लोग सेकंड टेबल बना लेंगे जिसमें कि हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों झूठ बोलते हैं, ये सच बोलता है, ये अजम्पशन है, एंड दिस विल बी कंडीशन। तो अगर ए झूठ बोल रहा है, ए ने क्या बोला, ए सेज कि बी हमेशा झूठ बोलता है, ए ने बोला ए झूठा है, हम मान लेते हैं ए झूठा है, ए ने बोला कि बी हमेशा झूठ बोलता है। अगर झूठे ने बोला है कि बी हमेशा झूठ बोलता है, इसका मतलब बी हमेशा सच बोलता होगा, राइट? ये कंडीशन यही फेल होगी, तो ये इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। लेट्स चेक द थर्ड कंडीशन, राइट? थर्ड कंडीशन में क्या है, ये ए, ये बी, ये सी, देन दिस इज अजम्पशन एंड दिस इज कंडीशन, राइट? सो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग मान रहे हैं कि बी सच्चा है, बाकी दोनों झूठे हैं, क्योंकि एक बार हमने मान लिया कि ए सच्चा है, एक बार मान लिया सी सच्चा है, अब मान लेंगे हम कि अजम्पशन लिया हमने कि बी सच्चा है, राइट? तो कंडीशन सेज ए ने बोला कि बी झूठा है, तो अगर ए झूठा है तो हम यहां पर मान लेते हैं ए झूठा है। नाउ ए सेज कि बी झूठा है, झूठे ने बोला है कि बी झूठा है, इसका मतलब बी सच्चा होगा, राइट? हम आगे भी कंडीशन देख लेंगे, ये भी क्रॉस आना चाहिए। बी सेज, क्योंकि बी सच्चा हो गया, बी सेज कि सी झूठा है, सी झूठा है, तो सी झूठा है, कंडीशन फुलफिल्ड। हम ये कंडीशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ सी सेज कि ये दोनों झूठे हैं, सी यानी झूठा, सी बिकॉज सी झूठा है, सो सी ने बोला कि ये दोनों झूठे हैं, तो इसकी कंडीशन गलत हो गई, ये झूठा ही हो गया क्योंकि बी तो सच्चा है, राइट? तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी। सो बी जो है वो हमेशा सच बोलता है, ये हमेशा सच बोलता है, बाकी
ए एंड सी हमेशा झूठ बोलते हैं, दे आर लायर्स, राइट। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पजल इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फन एंड मोर लर्निंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।